दीपक भारद्वाज मर्डर केस में नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक महंत प्रतिमानंद ने दी थी हत्या की सुपारी। सूत्रों के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर महंत का दीपक से चल रहा था विवाद। हरिद्वार में कनखल में है महंत का आश्रम। महंत को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है पुलिस। मथुरा में भी है महंत का आश्रम। पुरुषोत्तम के बैंक खाते में पुलिस को मिली 6 लाख की रकम। सूत्रों के मुताबिक महंत ने दी थी 2 करोड़ की सुपारी। महंत प्रतिमानंद के यहां पुरुषोत्तम पहले था ड्राइवर। महंत की गिरफ्तारी के बाद उठेगा हत्या से पर्दा। गिरफ्तार शूटर पुरुषोत्तम ने लिया गुरुस्वामी का नाम। कबूला, 2 करोड़ मिली थी सुपारी। दीपक भारद्वाज के गुरु आनंद महाराज को पुलिस ने दिया नोटिस। महाराज की आज तक पर सफाई, मेरा कोई रोल नहीं। तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड। पटियाला हाउस कोर्ट से पुलिस ने मांगी थी रिमांड। पुलिस ने भारद्वाज की पत्नी के जानने वालों से भी की पूछताछ। वारदात में इस्तेमाल हुई कार के मालिक और रमेश कुमारी एक ही गांव के। आज फिर कारोबारी के घर वालों से कर सकती है पूछताछ। एक दिन पहले की थी बड़े बेटे हितेश से पूछताछ। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में दिल्ली पुलिस का नया खुलासा। दुबई से लौटने के लिए गोपाल कांडा ने दीपिका पर डाला था दबाव। पुलिस ने कोर्ट में पेश किए सबूत। अदालत को सौंपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और ईमेल। कांडा के दबाव पर दुबई से भारत आई थी गीतिका शर्मा। लौटने पर कांडा ने अपनी कंपनी में नौकरी दी। कांडा के दफ्तर से पुलिस ने जब्त की थी हार्ड डिस्क। कांडा और अरुणा चड्ढा हैं मामले के मुख्य आरोपी। गोपाल कांडा को बताया गया गीतिका शर्मा की खुदकुशी का जिम्मेदार। तिहाड़ जेल में बंद है कांडा। कोलकाता में छात्र संघ चुनाव की मांग पर एसएफआई का हंगामा। पुलिस कार्रवाई में छात्र सुदीप्त गुप्ता की मौत। गुस्साए छात्रों ने फूंकी बस। तनाव बरकरार, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। छात्रों ने लगाया पुलिस पर आरोप, लाठीचार्ज से हुई छात्र की मौत। पुलिस मामले को दे रही है महज दुर्घटना करार। कहा 331 कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले जा रही थी पुलिस। बस से गिरकर हुई छात्र की मौत। सीपीआईएम ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की। मुख्यमंत्री से पूछा छात्र की हत्या का जिम्मेदार कौन। दिल्ली में सीबीआई के डीएसपी ने की खुदकुशी। वसंत विहार के घर में लगाई फांसी। 43 साल के थे करण आर्या। घटना के वक्त बाहर थे पत्नी और बच्चे। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। कुछ समय से मानसिक तौर पर परेशान थे। उज्जैन में खनिज इंस्पेक्टर संजय भार्गव की सड़क हादसे में मौत। परिवार ने जताया साजिश का शक। सीबीआई जांच की मांग। संजय ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का किया था खुलासा। मुख्यमंत्री के नजदीकी कंपनी के मालिक पर दबाव डालने का आरोप। झारखंड के देवघर में एसपी की मनमानी। पुलिस रेंज में बेटी के हाथ दिया सर्विस रिवॉल्वर। शूटिंग रेंज में मौजूद थे तमाम बड़े अधिकारी। एसपी सुबोध प्रसाद ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। यूपी के मुजफ्फरनगर से सटे शामली में 4 महिलाओं पर तेजाब फेंका। बुरी तरह झुलसी 3 महिलाओं को दिल्ली रेफर किया। 3 टीचर और 1 टीचर की बहन पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फेंका तेजाब। दोनों बदमाश फरार। हापुड़ में कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग। अंडर ट्रायल अशोक भाटी की गोली मारकर हत्या। करीब 50 राउंड फायरिंग। राजस्थान के झुंझुनू में नकल करते पकड़ा गया हाईटेक छात्र। चश्मे के फ्रेम में लगाया था ब्लूटूथ। कॉलेज के बाहर गाड़ी में बैठा था दूसरा दोस्त। अंदर बैठे छात्र को करा रहा था नकल। बीए में बार बार फेल होने से परेशान था छात्र। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। मुंबई में आरबीआई के पास एयरगन से फायरिंग। आरोपी ने की बैंक में घुसने की कोशिश।
केरल के पद्मगिरी राव शेखर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ में कबूला पब्लिसिटी हासिल करने के लिए की थी फायरिंग। नोएडा में फैक्ट्री में भीषण आग, सेक्टर 58 में सीट कवर बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल से फैली आग। आग को बुझाने के लिए पहुंची दमकल की 25 गाड़ियां, शाम 7 बजे लगी थी आग। आग लगने के वक्त कंपनी में करीब 60 लोग कर रहे थे काम, हादसे में कोई नहीं हुआ घायल। गाजियाबाद में लोहा कारोबारी से 10 लाख की लूट, विधायक के घर के बाहर बदमाशों ने लूटा। स्कोडा कार से घर जा रहे थे कारोबारी रमेश चंद, व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जताया गुस्सा। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका थाने के एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों पर आरोप, 3 लाख नहीं देने पर छात्र की टांग तोड़ी। छात्र के परिजन ने डीसीपी से लेकर सीएम तक की शिकायत, डीसीपी ने दिया जांच का भरोसा। पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के आरोपी इस्माइल गिरी कई हथियारों के साथ गिरफ्तार, सूरत पुलिस ने उसके पास से बरामद की 11 पिस्टल। नागौरी के साथ 6 और लोग भी गिरफ्तार, पास में थे 62 कारतूस भी बरामद। सबूतों के अभाव में हरेन पांड्या हत्या मामले में छूटा था नागौरी, किसी बड़ी वारदात की फिराक में था नागौरी। मुंबई के बोरीवली वेस्ट इलाके में शेयर ब्रोकर विजय कांतिलाल की हत्या, आदेश्वर अपार्टमेंट में 3 महीने पहले रहने आया था कांतिलाल। घटना के वक्त घर में अकेला था कांतिलाल, पत्नी घर लौटी तब पता चला हत्या की खबर के बारे में। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में डिवाइडर पर चढ़ी कार, जोरदार टक्कर के से कार तबाह। नशे में कार चलाने की वजह से हुआ हादसा, एक गंभीर रूप से घायल। जालंधर में एएसआई मर्डर मामले में पुलिस को मिले अहम सुराग, 3 बदमाशों की पहचान, 4 के खिलाफ मामला दर्ज। सत्ता के 2 केंद्र के दिग्विजय के बयान को कांग्रेस ने किया खारिज, कहा पीएम और सोनिया के बहुत अच्छे रिश्ते। जनार्दन द्विवेदी ने कहा भविष्य के लिए मिसाल है पीएम और कांग्रेस हाईकमान के बीच का तालमेल, यही है आदर्श स्थिति। दिग्विजय सिंह ने भी दी सफाई, कहा कांग्रेस में नहीं है कोई अंतर विरोध। सफाई से पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था पार्टी में नहीं होना चाहिए सत्ता के 2 केंद्र। दिग्विजय ने कहा था 2 केंद्र का प्रयोग असफल, अगली बार राहुल गांधी को ही बनना चाहिए प्रधानमंत्री। नई मुश्किल में दिग्विजय सिंह, उज्जैन की अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। मारपीट के मामले में अदालत नहीं पहुंचे थे दिग्विजय, पिछले साल बीजेपी कांग्रेस समर्थकों के बीच झगड़ा का है मामला। वारंट पर बोले दिग्विजय, अदालत का करता हूं सम्मान, 30 अप्रैल को अदालत में होंगे हाजिर। गुजरात विधानसभा में मोदी सरकार ने पेश किया सीएजी रिपोर्ट, गलत कर्ज नीति की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप। सीएजी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने खोला है मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, सरकार को सदन में घेरने की तैयारी। गुजरात विधानसभा में लोकायुक्त संशोधन बिल पास, नए बिल के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति का आखिरी फैसला मुख्यमंत्री के हाथ। लोकायुक्त पर मोदी ने दिखाया केंद्र को ठेंगा, नियुक्ति में राज्यपाल के बाधे हाथ। नए विधेयक में 3 नए लोकायुक्त और 4 उप लोकायुक्त का प्रावधान, सरकार की दलील जल्द होगा शिकायतों का निपटारा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बिल के खिलाफ, केशुभाई पटेल ने कहा उनकी पार्टी पूरे राज्य में करेगी आंदोलन। दिग्विजय ने मोदी के बहाने साधा अन्ना पर निशाना, पूछा गुजरात पर क्यों चुप है अन्ना।
बिजली पानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के उपवास का आज 12वां दिन, वजन घटकर हुआ 57.5 किलो। केजरीवाल को मिला मेधा पाटकर और अरुणा रॉय का समर्थन, आज जेठमलानी करेंगे मुलाकात। दिल्ली की बिजली कंपनियों का दावा, केजरीवाल का अनशन बेअसर। बिजली कंपनियों के मुताबिक लोगों ने नहीं मानी बिजली बिल ना भरने की सलाह, नहीं हुआ मार्च में कोई घाटा। दिल्ली में बिजली पर कैग रिपोर्ट से खलबली, प्रोजेक्ट पूरा करने में दरी से 65 करोड़ का नुकसान, शीला सरकार ने वसूली में की ढिलाई। दिल्ली में मौसम का यू टर्न, बीती रात झमाझम बारिश, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट, बारिश से थमी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में लगी लर्न टुडे की क्लास, इग्नू के पूर्व कुलपति एमएम पंत ने शिक्षा में टेक्नोलॉजी पर दिया जोर। दिल्ली के स्कूल्स के कई प्रिंसिपल भी हुए शरीक, शिक्षा के क्षेत्र में लर्न टुडे लगातार कर रहा है काम। अमरनाथ यात्रा के नए नियमों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन, मांग कर रहे हैं मुफ्त मेडिकल जांच की सुविधा। कर्मचारियों के हंगामे के बीच किंगफिशर का ऐलान, दी गई 2 महीने की सैलरी। कोलकाता में किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों का कैंडल मार्च, आईपीएल 6 के उद्घाटन के दौरान जताया विरोध। पिछले 10 महीने की बकाया सैलरी की मांग, कहा बिना सैलरी के कैसे चलाएं परिवार। विदेश जाने वालों को एयर एशिया का तोहफा, 20 लाख सस्ते टिकट का ऑफर। स्कीम के तहत कोलकाता से बैंकॉक महज 3300 रुपए में कर सकते हैं सफर, 1 जनवरी 2014 से 30 अप्रैल 2014 के बीच कर सकते हैं सफर। होंडा की सेडान कार अमेज 11 अप्रैल को होगी लॉन्च, कंपनी ने शुरू की डीजल कार की बुकिंग। अमेज डीजल में लगा है 1.5 लीटर का इंजन, 1 लीटर पर 26 किलोमीटर माइलेज की उम्मीद। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच 1200 करोड़ की डील, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए मिलाया हाथ। अनिल अंबानी के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी मुकेश अंबानी की कंपनी, मुकेश की कंपनी रिलायंस इंफोकॉम की पहल। सुप्रीम कोर्ट में आज मोबाइल टावर की अहम सुनवाई, जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। आज से होगा आईपीएल 6 का आगाज, डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच होगा पहला मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर भिड़ेंगे दोनों, शाम 8 बजे शुरू होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे गौतम गंभीर, महिला जयवर्धन ने संभालेंगे दिल्ली डेयरडेविल्स की कमान। मैच के पहले दिल्ली डेयरडेविल्स को लगा झटका, चोट की वजह से नहीं खेलेंगे वीरेंद्र सहवाग। पीठ में तकलीफ के चलते सहवाग परेशान, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नहीं खेलेंगे सहवाग। बीती रात जोरदार तरीके से कोलकाता में हुआ आईपीएल 6 का उद्घाटन समारोह, कटरीना कैफ ने बांधा समा। शाहरुख खान ने भी किया परफॉर्म, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं शाहरुख खान। इंटरनेशनल रैपर पिटबुल ने ओपनिंग सेरेमनी में लगाए 4 चांद, खूब झूमे कोलकाता के क्रिकेट प्रेमी। राष्ट्रीय चयनकर्ता संदीप पाटिल ने छोड़ा एमसीए के सिलेक्टर्स का पद, बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर एमसीए को समय नहीं दे पाने पर इस्तीफा। मुंबई के अलावा वेस्ट जोन चयन समिति में भी थे पाटिल, लोकल मैच ना देख पाने की वजह से दिया इस्तीफा। भारतीय फैशन डिजाइनर आनंद जॉन अलेक्जेंडर को न्यूयॉर्क की अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा, महिला ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। यौन उत्पीड़न के मामले में पहले से ही कैलिफोर्निया में
लगभग 60 साल की सजा काट रहे हैं जॉन, 2007 में हुए थे गिरफ्तार। एक हफ्ते बाद बिलावल वापस लौटे पाकिस्तान, लेकिन नाराजगी बरकरार, नहीं करेंगे पार्टी के प्रचार की अगुवाई। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुल से नीचे गिरी बस, 7 की मौत, 15 घायल। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ा, अमेरिका ने मिसाइल रोंधी रॉकेट किया तैयार।